Screen. Here we go. अच्छा, सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और सॉरी फॉर द लेट डिले। असल में वो पता नहीं, आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने सिस्टम रिस्टार्ट किया लैपटॉप तो चल गया, मेरा मोबाइल पे सही चल रहा था। हालांकि मेरे साथ ये इसने परसों भी सेम सिनेरियो हुआ था जब मैं एआई की क्लास दे रहा था। आई डोंट नो व्हाई Zoom is making issue with my system. लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था ट्यूसडे को, उसमें हमने बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था। जस्ट उसका एक शॉर्ट रिकैप ले लेके, ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि नए टॉपिक्स कवर करने हैं, तो उस पर ताकि टाइम हम लोग स्पेंड करें और कोशिश होगी कि आपको टाइमली चीजें खत्म करके ताकि टाइम भी छोड़ दें, आप वीकेंड आपका डिस्टर्ब ज्यादा ना करूँ मैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में हमने ये बात करी कि जो स्टार्टिंग हमारी डिस्कशन हुई थी वो यही थी कि हर लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती, राइट? और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए की डिफरेंट फैमिली है, और उस फैमिली से भी जो स्पेसिफिक एक फैमिली है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की है या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की है, या ऐसी लैंग्वेज जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट करती है तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है? तो दे आर सॉर्ट ऑफ वाइस वर्सा सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो दोनों इंटरचेंजेबली कहा जाता है कि अगर लाइक किसी लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है तो फिर उसका मतलब उसकी वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है? और अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो ये दोनों बातें वाइस वर्सा यूज होती हैं। वैसे जस्ट फॉर रिकैप सेक ऑफ रिकैप बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले मतलब जो ऐसी लैंग्वेजेस है जो रेगुलर है उनके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऑटोमेटन डिजाइन करते थे, फाइनाइट ऑटोमेटन, डीएफए और एनएफए इवन। और उससे बेसिकली हम क्या करते थे, बता देते थे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कि स्ट्रिंग आइदर इस लैंग्वेज को बिलोंग करती है नहीं करती, ठीक है? लेकिन सम लैंग्वेजेस आर बियॉन्ड दिस थिंग, ठीक है? कुछ लैंग्वेजेस को हम खाली इस लेवल के ऊपर नहीं देख सकते कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट, उसके आगे भी हमें देखना पड़ता है। उसके लिए हमें डिफरेंट तरीकेकार हैं जिनसे हम उन लैंग्वेजेस को चेक करते हैं। जिस तरीके से हमने प्रूफ के तौर पे हमने पंपिंग लेमा और माहिल नेरोड थ्योरम पढ़ा, दोनों बेसिकली नॉन रेगुलरिटी को चेक करने के अप्रोचेज हैं कि अगर आइदर कोई लैंग्वेज अगर रेगुलर है या नहीं है, आप बेसिकली वो टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, दोनों की हेल्प से। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की जो क्लास है वो बेसिकली नेचुरली रिकर्सिव, ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें रिकर्जन हो और ऑब्वियसली उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी एग्जिस्ट करती हो, तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है? इसकी एग्जाम्पल पार्स ट्री थी, कंपाइलर है, एक्सएमएल है, एचटीएमएल है, जेसॉन को भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जेसॉन के अंदर भी हायरार्की फॉलो हो रही होती है, इस तरीके से वो चल रही होती है। उसकी भी कोई स्पेसिफिक आप एक स्पेसिफिक ऑटोमेटन से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है? तो पैलिंड्रोम की एग्जांपल हमने देखी थी। इसके लिए फिर पैलिंड्रोम स्पेसिफिक ऐसी ऐसी लैंग्वेज को, ऐसे वर्ड को बोला जाता है जिसको आप बिगिनिंग से एंड पे पढ़े या एंड से बिगिनिंग की तरफ पढ़े, डजंट मैटर, सीक्वेंस डजंट मैटर फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? मैडम मैडम, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़े या लेफ्ट टू राइट पढ़े, राइट टू लेफ्ट पढ़े, एक ही बात है। रीडिवाइडर रीडिवाइडर, मलयालम मलयालम, एक ही बात है। और जीरो और स्ट्रिंग है। तो हमने इसकी एक लैंग्वेज दी थी और उसको प्रूफ करा था कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ये लेमा से हमने किया था, ये कॉन्ट्रोडिक्शन से। फिर हमने चेक किया था, फिर हमने प्रोडक्शन की बात करी, ठीक है? कि प्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है, प्रोडक्शन बेसिकली वो रूल्स कह लें या वो रिकर्सिव डेफिनेशन है जिसके थ्रू हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जिसमें हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल्स को वेरिएबल्स भी कहा जाता है, और टर्मिनल्स बेसिकली आपकी वो वैल्यूज होती हैं जिनमें आप की डेरिवेशन बेसिकली ड्राइव हो रही होती है। इस जो हेड है बेसिकली इसको डेरिवेशन भी कहा जाता है, ठीक है? ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है? और इस पूरे
फाइव प्रोडक्शंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है. लेट मी चूज द लेजर पॉइंटर. इस तरीके से भी उनको रिप्रेजेंट किया जाता जा सकता है, जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट पे इन सारी प्रोडक्शंस को एक एक करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ग्रामर कैसे काम करती है, फिर इसके लिए हमने बेसिकली दो रूल्स पढ़े थे कि आपने क्या करना है. आपको कोई भी स्ट्रिंग टेस्ट करनी है कि आइदर वो कॉन्टेक्स्ट भी ग्रामर के अंदर है या नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी सीक्वेंस लेनी है प्रोडक्शन की, ठीक है, और उससे स्ट्रिंग को जनरेट करना है और एक एक करके रूल को सब्स्टिट्यूट करना है. तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास 0110 अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, जो कि एक पैलिंड्रोम है, तो मैंने क्या किया या हमने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मतलब हमने क्या किया कि हमने एक प्रोडक्शन ले ली 0A0 वाली, ठीक है, उसके बाद हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो इसको ओपन किया तो फिर 1A1 वाली प्रोडक्शन हमने अप्लाई कर दी, फिर हमने इसको आगे फर्दर ए को 1 से रिप्लेस कर दिया. सारी प्रोडक्शन को 1 by 1 हमने यूज करते हुए, ये लाजमी नहीं है कि सारी प्रोडक्शन ही यूज हो, ठीक है, लेकिन 1 by 1 हर हमने प्रोडक्शन को अप्लाई करके इस स्ट्रिंग को टेस्ट कर लिया कि यस दिस स्ट्रिंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर. तो ये बेसिकली हम इस तरीके से हम ग्रामर स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं ग्रामर के थ्रू. कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर की कह लें आप डेफिनेशन, जो कह लें बुक वाली डेफिनेशन कहते हैं, मेरी टर्मिनोलॉजी हमेशा ये थी बुक वाली डेफिनेशन. एक तो नॉन फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है हर चीज का, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है स्पेशली जब हम थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस और ऑटोमेटन के अंदर बात करते हैं. तो पहले एक नॉन फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर हम फॉर्मेलिटी की तरफ आते हैं. तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का ये है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पार्ट्स, ठीक है, जिसमें VTPS है, वेयर V इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स, T इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स व्हिच बिलोंग्स टू सम अल्फाबेट्स इंक्लूडिंग द नल string, and P is the set of productions from which we are basically deriving derivation also. कोई भी एक वेरिएबल को यूज करते हुए हम लोग बेसिकली ड्राइव कर रहे होते हैं किसी नेक्स्ट इनपुट के ऊपर या स्टेट के ऊपर, या स्ट्रिंग्स को हम ड्राइव कर रहे होते हैं. यहाँ पे ये अल्फा है या अल्फाज जो है बेसिकली वो बेसिकली आर्बिट्री स्ट्रिंग्स हैं, वेरिएबल्स हैं या टर्मिनल्स हैं जिनको यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है. तो जैसे अभी अगर हम अपनी पिछली एग्जांपल पे चले हैं, तो पिछली एग्जांपल पे जो अल्फा वन अल्फा टू लिखा हुआ है, अल्फा वन अल्फा टू की जगह यहाँ पे उसमें 0A0 1A1 1 0 नल आ जाएगा और यहाँ वी की जगह ए आ जाएगा, अगर मैं पिछली पैलिंड्रोम वाली एग्जाम्पल की बात करूँ. एस इज द स्टार्टिंग वेरिएबल, और अगर हम कॉन्टेक्स्ट इस टपल के थ्रू, ये जो 4 tuple है, ठीक है, अगर इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाहें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को और हम पैलिंड्रोम वाली एग्जाम्पल के उसके ऊपर मैप करें, तो डेट वुड बी लाइक दिस के आपकी जी बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, जिसमें वी आपका वेरिएबल जो है वो ए है, 0 और 1 आपके बेसिकली टर्मिनल्स हैं, पी आपके प्रोडक्शंस हैं और ए आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, स्टार्टिंग वेरिएबल है. और ये आपकी सारी सेट पी के अंदर अगर आप फर्दर एक्सपेंड करें पी को, तो पी के अंदर फिर सारी प्रोडक्शंस है आपकी जो आप उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक. और एग्जांपल्स थी पैरेंथेसिस को मैचिंग की है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. ये 0M और 1N की एग्जांपल थी, इसको देखा था. इफ देन एल्स की एग्जांपल है, और इस तरीके से और एग्जांपल्स हैं जो सारी हैं. और इस तरीके से बैलेंसिंग और कंपाइलर किस तरीके से बेसिकली सिंटैक्टिकल चेकिंग करता है, अगर एक ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो वो ब्रैकेट क्लोज भी हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये टर्नरी कंपाइलर के ऊपर थोड़ी सी बात हुई थी. मार्कअप लैंग्वेजेस हैं इसके, इसमें आप जेसॉन भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जेसॉन भी इसी का पार्ट हो सकती है क्योंकि उसमें भी नेस्टिंग चल रही होती है, ट्रीज पैटर्न सॉर्ट ऑफ चल रहा होता है, नेस्टिंग चल रही होती है. एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट, ठीक है, लाइक HTML और XML. XML के अंदर ये फ्लेक्सीबिलिटी होती है, वो DTD है बेसिकली डेटा, आप अपनी मर्जी से टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं और आपकी मर्जी आप कोई भी टैग बना सकते हो, ठीक है. देयर आर नो स्पेसिफिक सिंटैक्स, देयर इज नो स्पेसिफिक सिंटैक्स, जो आप सिंटैक्स बनाओगे दैट वुड बी फॉलोड. बस एक स्कीम है, उस स्कीम को आप फॉलो करते हैं, और लाइक अगर एक टैग आप ओपन कर रहे हो तो वो टैग क्लोज होगा, और इसी तरीके से आप किसी भी नाम से टैग बना सकते हैं. फिर उसकी एग्जाम्पल्स थी, इसको देखा था, ये हेड है, जो वेरिएबल होता है वो हमारा हेड होता है, डेरिवेशन, ये जो एरो है इसको डेरिवेशन बोलते हैं, ये बॉडी है. तो हर प्रोडक्शन के अंदर हेड होता है, डेरिवेशन होती है, बॉडी होती है, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बेसिकली प्रोडक्शन होती है. फंक्शन बोले, रूल बोले, व्हाटएवर यू कैन से.
ये कन्वेंशन हैं कि जब आप टर्मिनल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करें तो वो स्मॉल अल्फाबेट्स से कर लीजिए, नॉन टर्मिनल सिंबल्स के लिए या जो वेरिएबल्स जिनको कहा जाता है उसके लिए आप कैपिटल अल्फाबेट्स यूज कर लीजिए, टर्मिनल नॉन टर्मिनल सिंबल के लिए कैपिटल नॉट एक्स वाई जी को यूज कर लिया करें, टर्मिनल स्ट्रिंग्स अगर आपको रिप्रेजेंट करिए डब्ल्यू एक्स वाई जी यूज कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी अगर स्ट्रिंग्स हैं जिसके आपको पता नहीं है कि किस टाइप की होगी, कोई भी आर्बिट्रेरी लेंथ हो सकती है, कोई भी उसमें उसकी उसका कोई पैटर्न स्पेसिफिक नहीं है तो अल्फा बीटा गामा या ग्रीक लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फिर एक एक्सप्रेशन लिया था, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी रेगुलर एक्सप्रेशन से, और उसके बाद उसको फिर सिंपलीफाई करके फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू भी करने की कोशिश की थी। तो ये सारी हमारी लास्ट टाइम की डिस्कशन थी, ट्रांजिटिविटी की बात हुई थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात हुई थी, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन स्टाइल इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हो गई थी कि अगर हम कर रहे हैं इसको लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट के लिए क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे यस और नो के, ठीक है यहाँ तक मेरा ख्याल कर लिया था, इंडक्शन से मेरा ख्याल से कंटिन्यू करना था आई होप। इंडक्शन हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इंडक्शन नहीं पढ़ा था, किसी को याद है? इंडक्शन नहीं सर, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था सर। सही है, सही सही, ठीक है चलिए इंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन क्या है बेसिकली, इंडक्शन इज अ वे टू प्रूफ। जिस तरीके से पहले मैंने बात करी थी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी भी चीज को प्रूफ करने के दो तरीके हैं, एक प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक प्रूफ बाय इंडक्शन होता है। ठीक है, मैथमेटिकली भी किसी चीज को प्रूफ करने के दो ही तरीके होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस कह लें आप, मैथमेटिक्स से काफी सारी चीजें इसने अडॉप्ट की है कंप्यूटर साइंस में हम लोगों ने, तो somehow काफी चीजें हमारी कंप्यूटर कंप्यूटिंग की मैथमेटिक्स से रिजेंबल करती हैं। वन ऑफ द थिंग इज प्रूविंग कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी चीज को हमने प्रूफ करना है, किसी एक बात को आप एक स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सही है, तो उसको साबित करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, एक प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप उसकी अगेंस्ट टर्म ले लें प्रूफ की और उसको गलत या सही साबित कर दें, उससे आप पहली टर्म अपनी एक्चुअली एक्चुअल टर्म को साबित कर सकते हैं कि आइदर वो ट्रू है या फॉल्स है, वॉट एवर द थिंग इज। एंड प्रूफ बाय इंडक्शन भी हम यही कर रहे होते हैं कि हम बेसिकली एक कंडीशन अज्यूम करते हैं, उस कंडीशन के ऊपर फिर उसको ट्रैवर्स करते हैं या ट्रैक करते हैं, देन फाइनली यस या नो में हमें आंसर पता चल जाता है कि हाँ या ना हमारी ये जो चीज है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं कि वो सही साबित हुई या गलत हुई। तो नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आर करेक्ट। ठीक है, अगर मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि मैं जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिजाइन कर रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है, दैट इज द चैलेंज। थ्योरम ये कहता है, हमारे पास हमने थ्योरम अज्यूम कर लिया, ठीक है, और पैलिंड्रोम की लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है, और जी कोई क्वेश्चन है वहां से? रमशा आप भी अपना माइक म्यूट कर लो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर ऑन कर लेना। खैर लैंग्वेज हमारे पास हम ले रहे हैं लेट्स से लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम, जो जिसके ऊपर प्रोडक्शंस लिखी हुई है 0A01, 1A10, 1N0, ठीक है। थ्योरम हम अज्यूम कर रहे हैं, हम कंडीशन ले रहे हैं कि स्ट्रिंग WA0+1* यानी 0 या 1 का कोई कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, और वो 0 या 1 का जो भी कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली हमारा पैलिंड्रोम के अंदर होगा, लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम के अंदर होगा। If and only if W is a palindrome, ठीक है, हम 0 या 1 के कॉम्बिनेशन को उस वक्त लैंग्वेज का पार्ट बोलेंगे palindrome की जब जो स्ट्रिंग आ रही है वो palindrome हो। ये हम प्रूफ कर, ये हमने कंडीशन अज्यूम की है। इसके लिए इंडक्शन हम यूज कर रहे हैं। इंडक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहली हमने कंडीशन सोची कि ऑन स्ट्रिंग लेंथ फॉर इफ पार्ट, ये जो पहला इफ पार्ट है इसके लिए हम लेंथ को देख लेंगे स्ट्रिंग की, और जो ओनली इफ पार्ट है उसके लिए हम लोग डेरिवेशन को देखेंगे। तो जो भी हमें स्ट्रिंग मिलेगी उस स्ट्रिंग से हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को हम वन बाय वन ये जो हमारे पास प्रोडक्शंस हैं उनसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो हमने रूल्स पहले पढ़े थे दो, ठीक है, रिमेम्बर द रूल्स जो ग्रीन में लिखे हुए थे, ठीक है, कि हम क्या करेंगे एक एक करके प्रोडक्शंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उनसे बेसिकली स्ट्रिंग को प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो स्ट्रिंग उससे प्रोसेस हो जाती है देन सिंपली वी कैन प्रूव दैट के वो चीज या वो स्ट्रिंग जो है बेसिकली वो पार्ट है पैलिंड्रोम का और पैलिंड्रोम की लैंग्वेज का वो पार्ट है, लाइक वी प्रूव्ड 0110, ठीक है। पार्ट ट्रीज भी हमने पढ़ लिए थे,
यार ये पढ़ लिया था भाई, पार्ट्स ट्री भी पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, पार्ट्स ट्री बेसिकली जो हमारी स्ट्रिंग है, अगर हम जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, और उसको उसका हम पार्ट्स ट्री जनरेट करना चाहें, जैसे 0110 इसका पार्ट्स ट्री जनरेट करना चाहें, तो ए हमारा वेरिएबल है, ठीक है, उससे हमने पहली प्रोडक्शन यूज करी 0A0 की, उसके बाद सेकंड प्रोडक्शन लगाई 1A1 की, और ए के बाद वहां पे नल पे एंड कर दिया, और ये हमारी पूरी स्ट्रिंग जनरेट हो गई 0110। ठीक है, सिमिलरली ई की जो लैंग्वेज, ई एंड एफ की जो लैंग्वेज हमने देखी थी, तो अगर हम लोग ए प्लस वन इससे पार्ट्स ट्री से पार्ट्स ट्री बनाना चाहते हैं, तो ई एक्सपेंड किया ई प्लस ई में, फिर ई से एफ ले लिया, एफ से ए ले लिया, ठीक है, या ये जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है, एफ से ए ले लिया, क्योंकि एफ से ए की प्रोडक्शन हमारे पास मौजूद है। सिमिलरली एफ ई से एफ, एफ से वन की प्रोडक्शन भी मौजूद है, तो ए प्लस वन, तो ये ए प्लस वन हमने जेनरेट कर लिया। इसी तरीके से किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए जो हमने जिस तरीके से हम कह लें आप वो दो रूल्स को यूज करते हुए स्ट्रिंग्स को प्रूफ कर रहे हैं, इस तरीके से पार्स ट्री को यूज करते हुए भी किया जा सकता है। क्या आप वन बाय वन प्रोडक्शन अप्लाई करें पार्स ट्री में, लेवल बाय लेवल आपके पास एक ट्री बनता रहेगा, आपके पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर आ जाएगा, उससे आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो जनरेट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, ये ए ए ए जो आ रहा है इसको हम इग्नोर करेंगे, हम जो स्ट्रिंग है उसको उसको खाली देखेंगे, ए प्लस वन और इस तरीके से 0110। ठीक है, रिकर्सिव इन्फेरेंस, अगर हम बॉटम से अप जाएं तो उसको रिकर्सिव इन्फेरेंसिंग कहते थे, इन्फेरेंस कहते हैं, और जब टॉप से डाउन आता है उसको डेरिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो रूल अप्लाई करे वो डेरिवेशन है, मैंने एग्जाम्पल एक करके दिखाई थी, उस पर डिस्कशन की थी, तो उसमें वो एग्जाम्पल रिकर्सिव इन्फेरेंसिंग की थी, रिकॉर्डेड सेशन में देख भी लीजिएगा, ठीक है, जो ट्यूजडे को क्लास हुई थी उसकी। ठीक है, ये अगेन वही है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, आप दोनों को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। ठीक है, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर आपने अगर पार्ट्स ट्री बनाया तो आप उससे डेरिवेशन पे नहीं जा सकते, या डेरिवेशन से रिकर्सिव इन्फेरेंसिंग नहीं कर सकते, दोनों तरीके आपके पास मौजूद है, आप दोनों में इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, देयर इज अ लिंक यू कैन एस्टेब्लिश। ठीक है, पार्ट्स ट्री बनाया, पार्ट्स ट्री से राइट मोस्ट या राइट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करें, उससे आपके आपके पास डेरिवेशन आ जाएगी, और डेरिवेशन से आप रिकर्सिव इन्फेरेंसिंग कर सकते हैं, या रिकर्सिव इन्फेरेंसिंग अगर आपके पास आ जाए उससे आप पार्ट्स ट्री जनरेट करें, फिर राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट जो भी डेरिवेशन आप यूज करना चाहें वो यूज करें, और फाइनली आप डेरिवेशन उसकी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंटरचेंजेबिलिटी की बात है, ये पार्ट्स ट्री लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च की एग्जांपल है, लेफ्ट टू राइट, पार्ट्स ट्री राइट मोस्ट डेरिवेशन पे ड्राइव हो सकता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च राइट टू लेफ्ट, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इज इक्वल टू राइट मोस्ट डेरिवेशन, ऑब्वियसली जब ये दोनों बातें एक जैसी हैं तो राइट मोस्ट डेरिवेशन इज इक्वल टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लाइक इट्स मोर लाइक a is equals to b and b is equals to c, then a is equals to c वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और डेरिवेशन की जो बात है, डेरिवेशन इज बिलोंग्स टू ड्राइव्स रिकर्सिव इन्फेरेंस, और रिकर्सिव इज इन्फेरेंस कैन बी चेंज इज और चेंजेबल इनटू डेरिवेशन। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, ये वही वाली बात है, बॉटम अप पार्सिंग और रिकर्सिव इन्फेरेंस, पार्ट्स टू रिकर्सिव इन्फेरेंस, वाली बात है। यहां से हमने स्टार्ट करना, तो कनेक्शन बिटवीन सीएलएफ एंड आरएलएस, रेगुलर लैंग्वेजेस और जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है उनके बीच में क्या कनेक्शन है, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये आज का टॉपिक था, यहां से हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी थी। ठीक है, तो कौन सी ग्रामर्स हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है। ठीक है, A context-free grammar is said to be right linear if all the productions are one of the following are in the one of the following form. ठीक है, अगर context-free grammar है हमारी, अगर हम उसको right linear बोल सकते हैं। ठीक है, अब right linear आगे हम use करेंगे concept इसका। ठीक है, something to will be proved. Context-free grammar को हम right linear कह सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी सारी की सारी productions इन दो तरीकों से लिखी जा सके, A drives to string B और A drives to string, अगर हम इन दोनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो ये राइट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है, वेयर A एंड B आर वेरिएबल्स एंड W इज द टर्मिनल और स्ट्रिंग। थ्योरम 1 कहता है एवरी राइट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट्स अ रेगुलर लैंग्वेज। हमारे पास एक थ्योरम है, वो ये कहता है कि जितनी भी राइट लीनियर लैंग्वेजेस है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो स्पेसिफिक टाइप है, ठीक है, उनसे हम रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट है जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, बेसिकली
रिड्यूसिबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। रिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। रिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है, या ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, वैसे इसकी जो टर्म यूज की जाती है वो रिडक्शन यूज करी जाती है, ठीक है। तो ए रिड्यूसेस टू बी, बी रिड्यूसेस टू सी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉन्टेक्स्टली ग्रामर को एक रेगुलर लैंग्वेज में रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, फायदा क्या होता है रिड्यूस करने से, कि कॉन्टेक्स्टली ग्रामर के लिए मुझे ऑब्वियसली पावरफुल मशीन चाहिए, ज्यादा पावरफुल मशीन चाहिए, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए मैं कम पावरफुल मशीन पे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कम पावरफुल मशीन पर काम कर सकता हूँ तो वाई नॉट यूटिलाइज इट, ठीक है। वही वाली बात है, अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर जीपीयू है या मेरे पास एक डाटा सेंटर है तो लाजमी नहीं है कि मेरे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए पूरा डाटा सेंटर ऑन कर दूं, ठीक है। इट्स मोर लाइकली डेट थिंग, ठीक है। तो थ्योरम ये कहता है कि हर राइट लीनियर कॉन्टेक्स्टुअल लैंग्वेज जो होती है वो रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करती है। थ्योरम टू कहता है रेगुलर लैंग्वेज की, हर रेगुलर लैंग्वेज की राइट लीनियर ग्रामर एग्जिस्ट करती है, तो इनडायरेक्टली उसकी कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वही वाली बात है, इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे में रिड्यूसेबल है, ठीक है। थ्योरम थ्री कहता है कि लेफ्ट लीनियर कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर जो होती है उनको भी राइट रेगुलर लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये तीन थ्योरम है और इन तीन थ्योरम की एग्जाम्पल हम इस एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हमारे पास राइट लीनियर कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर है ये, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास वो है कह लें एक तीन स्टेट्स हैं, जीरो और वन की हमारे पास लैंग्वेज है, पैलिंड्रोम की सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। जीरो जितने भी हैं, वन है, फिर वन के जितने भी कॉम्बिनेशन, फिर जीरो, फिर जीरो वन किसी भी एंड हो रहा है, तो ये जीरो वन की पैलिंड्रोम की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इनफ है, ठीक है। अगर इसका मैं राइट लीनियर कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर बनाऊं तो इससे फिर राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे होंगे, स्टार्ट स्टेट यही है, ठीक है। लेकिन आपके पास फिर फर्दर स्टेट्स आ गई है, वन के ऊपर आप बी पे जा रहे हैं, जीरो के ऊपर आप वन पे जा रहे हैं। अगर आप इसके प्रोडक्शन बनाएं तो प्रोडक्शन ये हो सकती है जीरो वन बी, ठीक है, और सी बार का मतलब और है, ठीक है। या बी की प्रोडक्शन है, बी वेरिएबल है, तो वन वन बी, जीरो सी, वन ए, ये तीन प्रोडक्शन है। या सी अगर वेरिएबल है तो वन ए जीरो वन, ठीक है। तो सी के ऊपर मैं जीरो या वन को यूज कर सकता हूँ, जीरो या वन, ठीक है, और ए को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हम बेसिकली यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, जो देखने की चीज है, ठीक है। ए में अगर बात करूं तो ए में क्या कर सकते हैं, जीरो वन, और वन से मैं कहाँ जा सकता हूँ, बी पे जा सकता हूँ। यहाँ पे यही बात है, जीरो वन और बी पे जा रहे हैं, तो जीरो वन बी। या मैं ए से सी पे जा सकता हूँ, ठीक है, उसके लिए वो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये जो जीरो वाला लिंक है ना, ये इसको बेसिकली यूज कर रहा है सी वाले को। सर प्लीज बोर्ड पे समझा दें जी, बोर्ड पे समझा दें प्लीज, ये नहीं समझ आ रहा है, ये बना बनाया हुआ ऑलरेडी है ना, तो आप प्लीज बोर्ड पे एक समझा दें ताकि दूसरा समझ आ जाएगा। अच्छा मैं कोशिश कर लेता हूँ, बोर्ड पे, बोर्ड पे डायग्राम को ड्रा करके बनाता हूँ, डायग्राम को बोर्ड पे ड्रा करूँ या ड्रा करूँ, फर्क क्या है सर, स्टेप बाय स्टेप बता देना, नहीं समझ आ रहा प्लीज। मैं पहले ड्रॉम बना देता हूँ, मसला नहीं, बना देता हूँ, मसला नहीं। ये हमारे पास स्टेट्स हैं, ये हमारी फाइनल स्टेट भी है, तो इसको मैं डबल सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, यूज कर लेता हूँ। ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। अच्छा हम ये कह रहे हैं ये लूप है जीरो का, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन का लूप है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे वन और जीरो का लूप है, ठीक है। जीरो,
एक सिंपल सी कह लें आप, अगर पैलिंड्रोम का मुझे ऑटोमेटन डिजाइन करना हो, ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम की किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए इनफ है, ठीक है। अगर मुझे कोई भी पैलिंड्रोम करना है, 010 अगर मिसाल के तौर पर करना है, तो 010 मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ, ठीक है। और लूप का मतलब आपको पता है, ये लूप का मतलब ये होता है कि इंक्लूडिंग द नल, ठीक है। हम यहाँ पे वो डीएफए की, ये डीएफए की बात नहीं कर रहे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट कह लें आप इसको, या तो नल लगाना चाहे तो साथ लगा लें बेशक, ठीक है, ताकि और एज हो जाए अगर समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। नल के लिए मैं नल ही लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें कीबोर्ड पर डायरेक्ट कोई और होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्टार है ये, लूप का मतलब स्टार होता है, ठीक है, जिस पर ऑलरेडी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। तो स्टार, तो नल, स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो ऑल में आपका नल स्ट्रिंग भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। हाँ, अगर लैंग्वेज के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि नल इंक्लूडेड नहीं है तो फिर अलग बात है, अदरवाइज इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि नल इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक मिसाल के तौर पर एक लैंग्वेज है, यहाँ हमारे पास पैलिंड्रोम है। अब उसके उसके लिए हमारे पास एक ऑटोमेटन आ गया, ठीक है, जिसके थ्रू हम बेसिकली जितनी भी हमारे पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, एक मिनट स्क्रीन चेंज करके भी दोबारा प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ ताकि चीज समझ आ जाए। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर जो हम चीज प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं और रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, इनका लिंकेज क्या है आपस में, ठीक है। या क्या हम अगर इन दोनों को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो इज इट पॉसिबल कि हम इनको आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो डेट वाज द थिंग। तो उसके लिए तीन हमारे पास रूल्स कह लें या थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स, सारे थ्योरम क्या कहते हैं, या माइक जिसका भी हो ना माइक बंद कर ले, अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक बंद कर लिया करें प्लीज। अब तो इस बात को बोलता आ रहा हूँ, अब डिस्टर्बेंस होती है बीच में। थ्योरम, एक थ्योरम ये कहता है, अच्छा पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम राइट लीनियर कब कहते हैं, ठीक है। राइट लीनियर तब कहते हैं जब वेरिएबल से डेरिवेशन स्ट्रिंग की तरफ जा रही हो, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, राइट लीनियर कहते हैं, ठीक है। थ्योरम ये कहता है, ठीक है, कि राइट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर सकती है, ठीक है। हर राइट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट कर सकती है रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। और थ्योरम टू कहता है हर रेगुलर लैंग्वेज का राइट लीनियर ग्रामर एग्जिस्ट करता है। और थ्योरम थ्री कहता है हर लेफ्ट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी हम राइट को भी हम रेगुलर लैंग्वेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीन बेसिकली बातें हैं, इनको प्रूफ करने के, ये तीन लिंकेजेस हैं जिनको हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और वो लिंकेजेस क्या है, वो लिंकेजेस ये है कि भाई अगर मेरे पास पैलिंड्रोम की लैंग्वेज है, मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जिसका जिस पे आप लोग चाह रहे थे, ठीक है। तो अगर मेरे पास पैलिंड्रोम की लैंग्वेज है, ठीक है, अगर मेरे पास ऑटोमेटन दिया हुआ है, ये एक रेगुलर ऑटोमेटन है, ये रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। या मैंने फाइनाइट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन या फाइनाइट ऑटोमेटन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो क्या मैं इसको इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में? तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इसकी प्रोडक्शंस बनानी होगी। अगर मैं इसकी प्रोडक्शंस बना लेता हूँ, उन प्रोडक्शन से बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जो फोर टपल्स हैं मैं वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और अगर मैं वो रिप्रेजेंट कर लेता हूँ तो मैं इस रेगुलर लैंग्वेज को बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर लूंगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। तो यही वाली बात को प्रूफ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और तो कोई नई चीज नहीं है। अब समझ आया? सर, ये इससे जो लैंग्वेज बनेगी वो पैलिंड्रोम होगी। हाँ, इससे ये पैलेंड्रोम प्रोसेस करने के लिए है। मिसाल के तौर पे पैलेंड्रोम कोई भी बोलो, 010 है तो 0 मैंने यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, 0 हो गया, डबल सर, हम जीरो अगर लूप से कोई भी नहीं ले रहे तो फिर तो ये 1 और 0 ही बनेगा सिर्फ, अगर किसी लूप से, भी लूप से कुछ नहीं ले रहे। अगर मैं नहीं लू तो मतलब ऑप्शन है ना, और है ना, लाजमी थोड़ी है कि नल लू, या लाजमी थोड़ी है बन का लूप में मल्टीपल टाइम्स लू। अगर मैं लेना चाहूंगा बन तो मैं लूंगा, ये नल मैंने आसानी के लिए लिखा है यहाँ पे। अगर मैं नहीं लेना चाहता तो मैं लूप को स्किप करके इस वेरिएबल को ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर मैं बी स्टेट पे ही रहना चाहता हूँ तो उस वक्त मैं वन को ले लेंगी, जब तक मैं वन कंज्यूम करता रहूंगा मैं बी बी स्टेट पे ही रहूंगा, जैसे ही मुझे जीरो मिलेगा मैं नेक्स्ट स्टेट पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, ट्रेवल कर सर सकता जैसे हूँ। ए
ए पोजीशन पे हमने नल ले लिया, फिर वन, फिर इसके बाद नल वापस भाई नल लिया देखो, और फिर अगर नल जीरो। लोगे, सुनो 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 आसान कर देता हूँ उसको, और नल अगर लोगे तो नल स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए इस पूरे को प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर नल स्ट्रिंग है तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। हाँ अगर आपकी स्ट्रिंग मिसाल के तौर पर आप कहते हो वन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जैसे 101 है, ठीक है, 101 भी पैलिंड्रोम है, राइट, तो मुझे वहां पे जीरो लेने की जरूरत नहीं है, मैं जीरो नहीं लूंगा, मैं वन लूंगा, बी पे चले आऊंगा, जीरो लूंगा, सी पे चले आऊंगा, सी वाली स्टेट पे वन लूंगा, 101 एक्सेप्ट हो गया, खत्म। ये जब पढ़ाया था ये उस वक्त का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से आप लोग उस वाले वो वाले कॉन्सेप्ट पिछले सारे शायद मिक्स कर चुके हो। भाई लूप का मतलब क्या होता था? लूप का मतलब ये थोड़ी कि इसी को लूंगा तो मैं आगे ट्रेवल कर सकता हूँ वरना नहीं ले सकता, ऐसा तो नहीं है। अगर मेरे पास इनपुट ऐसा है जिसको मुझे प्रोसेस करने के लिए यूज करना पड़ा तो मैं लूप यूज करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा लूप यूज। ये लूप का मतलब स्टार होता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी याद है, प्लस और स्टार। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी याद है? यस सर, याद। हाँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते थे, स्टार और उसमें क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है कि इंक्लूडिंग द स्टार का मतलब नल हाँ स्ट्रिंग, नल है, और प्लस का मतलब और। प्लस का मतलब होता है कि एक्सक्लूडिंग द नल लैंग, वही लैंग्वेज एक्सक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग, और जब स्टार होता है तो इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग, तो लूप बेसिकली स्टार होता है। ये बात तो ऑटो स्टार्टिंग लेक्चर से होती भी आ रही है, तो वही वाली चीज, वही इसी चीज को यूज करते हुए यहाँ पे हमने फाइनाइट ऑटोमेटन डिजाइन किया है, ठीक है, डीएफए डिजाइन किया है, और अब उस फाइनाइट ऑटोमेटन से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना रहे हैं, यानी एक रेगुलर लैंग्वेज से हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जा रहे हैं जो कि एक नॉन रेगुलरिटी की तरफ हमें लेके जाती है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम दोनों का लिंक बेसिकली देख रहे हैं कि क्या अगर हमें हम कन्वर्ट करना चाहें एक लैंग्वेज को दूसरी टाइप के अंदर, ठीक है, अगर हमें जरूरत हो, ठीक है, तो क्या हम इस लिंक को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो यस वी कैन डू इट। तो वो तीन थ्योरम जो है उनमें से एक थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल से। मैं बुशरा का क्वेश्चन था, उनको डायग्राम समझ नहीं आ रही थी, यहाँ से अब समझ आ गया, क्लियर है? जी सर। ये स्लाइड में भी डायग्राम है, फिगर है, उसमें यही है, उसमें उसमें बेसिकली क्या कर रहा है भाई, यही बनाया हुआ है, ठीक है, एक एक दफा इन्होंने राइट लीनियर बनाया है, एक दफा इन्होंने लेफ्ट लीनियर बनाया है, मतलब एक दफा लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं, एक दफा राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इनपुट्स, तो ये 0 और 1 की जो कंडीशन है इसको उसने डिफरेंट स्टाइल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि ये राइट लीनियर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये राइट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो खैर इन दोनों को यूज करते हुए इसने प्रोडक्शंस बना ली, ठीक है, अगर प्रोडक्शंस बना ले हम इसकी, ठीक है, तो इसको ऑटोमेटिकली हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है और जिसको फाइनाइट ऑटोमेटन के अंदर हम लोग डील नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज एम्बिग्यूटी, क्योंकि यहाँ पे ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे जो हम ये ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, ठीक है, राइट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटन के अंदर, या फाइनाइट ऑटोमेटन से राइट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये माइक किसका ऑन है पता नहीं, कितनी दफा मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को कि माइक ऑफ कर दिया करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जब एक ही प्रॉब्लम के लिए अगर हम डिजाइन कर रहे हैं डिफरेंट बेसिकली कह लें आप ऑटोमेटन्स को, तो वहां पे हमारे पास एम्बिगुस एम्बिग्यूटी आ रही है। एम्बिग्यूटी क्या होती है, एम्बिग्यूटी ये होती है कि अगर एक ही लैंग्वेज के मल्टीपल पार्ट्स ट्रीज बन सकते हैं, ठीक है, अगर मैं इसका पार्ट्स ट्री बनाना चाहूँ इसका पार्ट्स ट्री थोड़ा डिफरेंट बनेगा, इसका पार्ट्स ट्री बनाना चाहूँ इसका पार्ट्स ट्री थोड़ा डिफरेंट बनेगा, हालांकि लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन सेम है, ठीक है, या मैं इन प्रोडक्शंस को यूज करूँ, इन प्रोडक्शंस को यूज करते हुए मैं डिफरेंट पार्ट्स ट्रीज बना सकता हूँ, ठीक है, तो अगर ऐसी लैंग्वेज है मेरे पास जिसके मल्टीपल पार्ट ट्रीज हो, ठीक है, या मल्टीपल पार्ट ट्रीज से उसको रिप्रेजेंट किया जा सके, या डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट ट्रीज उसके जेनरेट हो सके, तो ऐसी ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर कहलाती है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल देने का मकसद था इस बेसिकली एम्बिग्यूटी की तरफ ले जाना था, तो यहाँ पे ये जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है यही आ रही है जो कि कंफ्यूजन बेसिकली क्रिएट कर रही है,
कि हम किसको सही बोले, हम इसको राइट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोले या ये जो हमने ऑटोमेटन डिजाइन किया इसको हम राइट लीनियर बोले, ठीक है, या ये प्रोडक्शन है इसको देख के हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटन है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट हो गई है, इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम एम्बिगुअस ग्रामर को कैसे डील करते हैं उसके लिए अब हम काम करेंगे, ठीक है, कि जो एम्बिग्युटी होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के अंदर उसको कैसे डील किया जाए, ठीक है। सर पता कैसे चलेगा राइट ये राइट लीनियर है? राइट लीनियर के लिए सिंपल ये है ना रूल के अगर हम वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल से टर्मिनल की तरफ डेरिवेशन अगर बना सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की तो वो बेसिकली राइट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाती है। सर ये क्लियर रूल है? देखो ये रूल है ना भाई, अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को राइट लीनियर कह रहे हो तो उसके लिए क्या है कि जो नॉन टर्मिनल है या वेरिएबल है वो ड्राइव कर रहा होगा किसी ना किसी स्ट्रिंग की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन बी आर वेरिएबल्स, डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है। टर्मिनल नॉन टर्मिनल अगर नहीं है तो प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन जो होती है तो प्रोडक्शन क्या होती है, टर्मिनल होता है वो ड्राइव कर, नॉन टर्मिनल होता है वो ड्राइव कर रहा होता है टर्मिनल की तरफ, तो डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्शन होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे चले जाऊँ, ये प्रोडक्शन लिखी हुई है, ठीक है, ये प्रोडक्शन क्या है, ये आपके पास जो ई है बेसिकली आपका, ठीक है, ये ई आपका नॉन टर्मिनल है या वेरिएबल है और ये ड्राइव कर रहा है इन टर्मिनल्स को, ई प्लस ई और ई मल्टीप्लाई बाय ई ब्रैकेट ई ब्रैकेट एफ और एफ की अपनी अपने रूल्स हैं, ए एफ बी एफ जीरो एफ वन एफ जीरो वन ए बी, ठीक है। तो ये जो हमने बेसिकली लिखे हुए हैं ये वाली एग्जाम्पल भी, ये जो ई वाली एग्जांपल थी जिसको हमने राइट हमने जब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन लिखी थी उसमें हमने ये ई वाली जो लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन है ये यूज की थी, ठीक है। अगर उस लेक्चर में आप पूरे टाइम थे तो आपको शायद याद हो, ठीक है, अगर नहीं थे तो आप रिकॉर्डेड सेशन उसका देख सकते हो। तो उससे हमने बेसिकली ये डेरिवेशन जनरेट करी थी, तो ये वाली वही वाली बात है कि अगर जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था जिस तरीके से हम प्रोडक्शन बना रहे हैं वो बेसिकली उसको राइट लीनियर कहा जाता है, सिंपल इज डेट। तो अगर एक ग्रामर राइट लीनियर है तो हमारे पास तीन थ्योरम है, एक थ्योरम कहता है कि हर राइट लीनियर लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट जो होती है वो रेगुलर लैंग्वेज जनरेट कर सकती है, एक थ्योरम ये कहता है कि हर रेगुलर लैंग्वेज की राइट लीनियर ग्रामर होती है, और थर्ड थ्योरम ये कहता है कि अगर राइट लीनियर की वजह लेफ्ट लीनियर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो उसको भी हम रेगुलर लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ये तीनों बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और रेगुलर लैंग्वेज के बीच में लिंक है। अब वो लिंक जब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है कि एम्बिग्यूटी हमारे पास आ जाती है। एम्बिग्यूटी क्या है कि कन्फ्यूजन आ जाती है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन को या कौन से जो मेरे पास ट्रांजिशन डायग्राम आ रही है उसको देखते हुए मैं फैसला करूँ कि ये राइट लीनियर है या लेफ्ट लीनियर है। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स आपके पास जो लिखी हुई है वो राइट लीनियर की डायग्राम्स है और दोनों एक ही ग्रामर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या इस चीज को हम फाइनाइट ऑटोमेटन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटन से रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या इसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कह सकते हैं? तो ये बेसिकली एम्बिग्यूशन यहाँ पर आ रही है, और एम्बिग्यूटी की एक और टाइप जो होती है आइडेंटिफाई करने की वो ये होती है कि अगर एक लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज है अगर उसके मल्टीपल पार्ट्री बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज एम्बिग्यूस है, ठीक है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। तो अब एम्बिग्यूटी अगर कहीं आ जाए, अब हम पता चल गया कि मिसाल के तौर पे भाई मेरे पास जो भी लैंग्वेज आ रही है उसके मिसाल के तौर पे मल्टीपल वेज के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है या मल्टीपल पार्ट ट्रीज बन सकते हैं, तो उसको कैसे मैं रिजॉल्व करूँ, इस चैलेंज को कैसे डील करूँ, तो अब उसके ऊपर फिर डिस्कशन करते हैं। सेशन भी एंड होने वाला है तो सेशन रिस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब सीक्वल कनेक्ट हो गया माइंड में, अभी भी कंफ्यूजन है, ले बोलते हैं सेशन हो ना उसको जागते हुए लिया करो, तो जागते हुए नहीं लेते तो फिर मसला होता है। जी सर जाग रहे, समझ में आ गया। सेशन रिस्टार्ट करता हूँ फिर उसके बाद मैं आसान सर एक बात पूछनी थी, या तो नमाज के बाद ही स्टार्ट करते हैं। हाँ पूछो, जल्दी पूछ लो। ऑनलाइन हो रहे क्या चीज? फाइनल यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं? पता नहीं,
इसका मुझे इल्म नहीं है, ये एचओडी से या किसी और से पूछ लो, मुझे पता नहीं है। जागना पड़ेगा, पता नहीं है, फिर तो अच्छी बात है, जाग लो। ठीक है, ओके, ब्रेक लेते हैं, नमाज का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।